subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. फौलाद का जिस्म ही नहीं, फौलाद का हौसला भी बनता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है। हमने आपने आजादी कैसे हासिल की ये तो पता नहीं चला, पर आजाद होकर घूमने का हक हमें यही लोग देते हैं। आज इन्हीं हीरोज के बीच एक खास हीरो आएगा जिनके साथ हम मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। बस वर्दी बदलती है, हथियार बदलता है, न जज्बा बदलता है, न शख्सियत बदलती है। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आए हैं, इन सब के बीच के भी हैं, और ये जो जज्बा और जुनून है वो आपके अंदर शायद बचपन से है, आज यहाँ पर है, कैसा लग रहा है? आप तो जानते ही हैं कि टीम इंडिया के कप्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की जर्सी में कैप्टन कूल का तमगा पाए धोनी या मिलिट्री की वर्दी में भी उतने ही कूल हैं। मैदान पर रणनीति बनाने वाले धोनी क्या युद्ध नीति भी बना सकते हैं? लंबे लंबे छक्के मारने वाले माही क्या दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकते हैं? बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने वाले माही क्या पैराशूट लगाकर उड़ सकते हैं? विकेटों के पीछे छलांग लगाकर कैच लपकने वाले माही क्या फैन जंप कर पाएंगे? पैमाने कई हैं, कसौटियां कई, मकसद सिर्फ एक, कैप्टन कूल का कड़ा इम्तिहान। वो कितने पास हुए और कहां कहां फेल, ये सर्टिफिकेट आप दीजिएगा। जीत की पूरी तैयारी के साथ धोनी निकल पड़े हैं शूटिंग रेंज। ये इनका पहला इम्तिहान है। यहाँ इन्हें बताया जा रहा है कि दुश्मन की तस्वीर पर किस तरह गोलियां उतारनी है। टोटल ऑफ 3 राउंड्स इन एवरी पोजीशन, टोटल ऑफ 9 राउंड्स, दैट इज व्हाट दे विल बी फायरिंग नाउ। Generally, this is a group which is formed. He'll take the center of the group, probably, which is here. The aim in such a practice is to get the target. You generally aim in the center. If you don't have a time to practice, if you're doing it in your own time, then generally you will be getting a good group generally in the center. धोनी के तेज दिमाग ने झट से सब कुछ अपने भीतर जज्ब कर लिया, और देखिए कितनी जल्दी एक्सपर्ट हो गए धोनी। जो कैलिब्रेशन होता है, जीरो इन होता है, ये 100 मीटर्स के लिए होता है। तो 25 मीटर का रेंज है, तो थोड़ा नीचे आता है टारगेट से। अच्छा, दैट्स व्हाई। सो जब तक एक साथ है और टारगेट में हिट कर रहे हैं, इट्स गुड। मतलब दिस इज गुड, या ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो जब तक आप सफ़ेद एरिया में नहीं है, तब तक अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। उनके दिल में धुकधुकी मची है, कैप्टन कूल का पारा चढ़ रहा है, निशाना साधना है, वो भी सटीक। इस माहौल में मुमकिन होगा? और ऊपर से पीछे से रहता है टाइम पे फायर करना है। हाँ। तो हार्ट रेट गोज अप, जैसा भी इन्होंने बोला कि आप फायर करना, मेरा हार्ट रेट इज ऑलरेडी अप। इतने लोग देख रहे हैं, शायद टारगेट में लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरे का पेपर निकाल के दिखा दे, नहीं मेरा पॉकेट में रखना पड़ेगा। चलिए, चीटिंग की बातें तो बस तफरी के लिए थी, अब इन्हें दुश्मन के सीने में गोलियां बरसानी है, ऐसे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी।
मगर गेंद और बल्ला पकड़ने वाले हाथों को कुछ तो ट्रेनिंग चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा नेलिंग पोजीशन निर्धारित करने का तरीका। सबसे पहले बाएं वाले पांव को टारगेट के सीध में अलाइन करें। सिटिंग पोजीशन अख्तियार करें इस प्रकार से, लेने वाले पांव की एड में पूरा बॉडी वेट इस प्रकार से बढ़ा हुआ। रेफर को इस प्रकार से पकड़ें और सीध लें। टॉप करने का तरीका इधर से टॉप करें इस प्रकार से और फायर करें। Switch it on, so you'll get the feel of the ball. Yeah. Now get set, go. बरसात यहाँ पर शुरू हो चुकी है, धोनी इस वक्त निशाना लगा रहे हैं। सटीक निशानों से जो उनका मुकाबला है यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि धोनी जो फायरिंग के शौकीन है वो यहाँ पर इस बंदूक से किस तरह का निशाना साध पाते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखें आप। माही ने बंदूक तो मुस्तैदी से चलाई, अब रिजल्ट भी देख लिया जाए। नॉट बैड। वाह, इनकी तो बांछें खिल गई। How many all 15 there? 15 तो है। धोनी ने लगाए 15 निशाने, मगर कमबख्त एक गोली टारगेट भटक गई, जैसे उनके गेंदबाज कई बार लाइन लेंथ भटक जाते हैं। लीजिए, इसी बीच एक सुझाव आ गया कि धोनी स्टैंडिंग पोजीशन में भी फायरिंग का मुजाहिरा करें। Actually, you can try from the standing position. फिर नहीं लगेगी। अच्छे से अगर खत्म हो गई है तो दोबारा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये दिखाता है कि धोनी जो कहते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं कहते हैं। देखिए, एक एक गोलियां इसमें से कहां कहां से भेदा है, एक बाइट में चला गया। हाँ, एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया तो मुझे पता चल गया था न्यूज़ वाले पीछे खड़े। ओहो, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबसे करीबी। बट अगर आप लॉट देखें तो ये गलत फायर है। अगर आप इनसे पूछेंगे दिल से, ये गलत फायर है। ये क्या सही है, इसमें कितना सही है कितना क्या? अगर गुरबिंग घर किया है तो ये फायर गलत है। ये गलत है, लेकिन दुश्मन मर तो चुका है। हाँ, दुश्मन तो मर चुका है, लेकिन अगर इनको इसमें करना था, फायर इसमें करना चाहिए। साहब ने ऊपर ही किया था। मैं इधर ही फायर कर रहा था। साहब ने ऊपर ही किया तो थोड़ा मेरा राइट गया है, सब यहाँ से थोड़ा सा राइट। नॉट बैड। दूसरी बार जो निशाना लगा रहा हो उसके लिए एक्सेलेंट। जी बिल्कुल, ग्रुपिंग इज गुड, सो इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉलिड निशाने के बाद अब जरा फोटो शोटो हो जाए सॉलिड जवानों के साथ। आखिर उन्हें भी तो कुछ निशानियां चाहिए। ये मैं टारगेट आप लोग के लिए छोड़ के जाऊंगा। मैंने आधे घंटे में 15 मारे हैं। आप लोग अपनी टाइमिंग में ऐसा मारना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ऐसा टाइमिंग है। धोनी अब नए मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। ओपन जीत है, क्यों ना उनके दिल के राज को भी ओपन किया जाए। भाई, हालांकि सबसे एलीट फोर्स कहा जाता है, मतलब कहते हैं एक बार युद्ध पे भेज दिया जाए तो ये बोलकर भेजा जाता है कि शायद तुम लौटो भी ना। जैसा कि आपको पता है, ऑफकोर्स मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस, और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि यू नो आई वॉज गेटिंग एन ऑनरी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूँ। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज़ यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेंड इन अ स्पेशल वे एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई, यू नो, बाकी सब जमीन पर रहते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल थिंग बीइंग पार्ट ऑफ द पैरास। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी जो तारीखें होती हैं जिन्हें हम एक देश के पर्व के तौर पर भी देख सकते हैं, क्या जगाती हैं अंदर से? वेल, मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ही ऐसे दो दिन हैं जिससे आप गर्व से आप कह सको कि आप भारतीय हैं। आई थिंक हर दिन जो होता है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होना चाहिए। वी शुड रियलाइज़ कि बहुत सारे लोगों के यू नो सैक्रिफाइसेस के कारण हमें फ्रीडम मिला था, और दे सैक्रिफाइस अ लॉट, यू नो, फैमिली टाइम जो होता है, बच्चों के साथ जो टाइम होता है, यू नो, द सोसाइटी, यू नो, दे आर वेरी डिफरेंट इन देयर ओन वेज। डिसिप्लिन, यू नो, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे। सो आई थिंक ईच एंड एवरी डे, यू नो, वी शुड बी प्राउड ऑफ द
फैक्ट दैट वी आर इंडियंस एंड वी शुडंट वेट कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम एक झंडा लेके बोलेंगे नो वी आर प्राउड इंडियंस. रोज झंडा दिल पर रहे. 100% टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल पड़े हैं माही, वहाँ जहाँ अधिकारी उन्हें युद्ध नीति समझाएंगे और जवान उन्हें युद्ध अभ्यास दिखाएंगे. ये खास बैटलफील्ड इसीलिए तैयार की गई है. यहाँ ये अधिकारी धोनी को बता रहे हैं कि जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वो सीधे सीधे ऑपरेशन एरिया में उतर सकते हैं, मोर्चा संभाल सकते हैं, फतह कर सकते हैं. ठीक वैसे ही जैसे धोनी के नए नवेले लड़ाकों ने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में फतह हासिल की. युद्ध के मौकों पर हर वक्त आदेश देना मुमकिन नहीं होता है और इसीलिए बिना आदेश के किस तरीके से कम वक्त में आप रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं वो अभी बताया जा रहा है धोनी को. And throughout they are in comm with. Yes, they are in comm. Two guys will be having it. One is the section commander of this party and one is the 2IC. He will be having that communication. This activity is done in speed, but this is done very very deliberately. Quick और independent order लेना. जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अगर आपको ऑर्डर नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद अपने इनिशिएटिव पर कर सकें, ये हर एक की आम जिंदगी में भी शायद इसकी अहमियत होती है. आई थिंक एडाप्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आप लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रेनिंग दैट यू हैव डन. तो आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग में सीरियस रहते हैं, हर चीज़ को आप कैच करते हैं, ऑल दोज इंटेलिजेंस और ऑल दोज जो डेटाज होते हैं एक्चुअली हेल्प यू इन दिस सिचुएशन. क्योंकि एवरीथिंग डजंट गो बाई स्क्रिप्ट कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ये परफेक्ट रेसिपी है, इससे सब सक्सेस होता है. तो दे हैव टू अडेप्ट उस सिचुएशन में. टेरेन उनको नहीं पता होता है कहाँ पे टेरेन कैसा है, यू नो किधर से अगर वो जाएंगे तो दे हैव अ बेटर वेंटेज पॉइंट एंड ऑल दोस थिंग. ठंडे दिमाग से कहीं कुछ वैसा ना हो जाए. वैसे मैं आपको लगता है कि अगर आप एक कॉम्बैट में होते वाकई एक सोल्जर होते. नहीं आई डोंट थिंक सो बिकॉज दे हैव एक बोलते हैं ना एक बहुत ही दूसरी चीज़ होती है जब आपको पता हो कि आसपास ग्रेनेड फट रहा है, यू नो समबडी इज़ फायरिंग एट यू एंड अ मिस्ड कैलकुलेशन कैन एक्चुअली टेक योर लाइफ. सो आई थिंक यू नो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज. करेज एक ऐसा वर्ड है, अगर आप में डर ना हो तो आप करेजियस नहीं हो सकते. जब आप उस डर को ओवरकम करते हैं देन यू बिकम करेजियस एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जब आप करेजियस होते हैं देन यू आर नॉट रेकलेस. अगर आप फियरलेस हैं तो एट टाइम्स यू कैन बी रेकलेस बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी करेजियस. यू नो यू स्टडी एवरीथिंग एंड देन यू गो टूवर्ड्स योर गोल. और अब धोनी को करना है एक ऐसी ट्रेनिंग का मुआयना जो अर्बन एरिया में होती है. यानी किसी शहर में किसी को अगर बंधक बनाकर किसी बिल्डिंग में रखा गया हो तो वहाँ आर्मी के जवान कैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वही चीज धोनी सीख रहे हैं. Here we are depicting three rooms which are in the form of tapes and three targets are indicated with the help of these three targets. प्रतीकात्मक घर बनाए गए हैं, अंदर प्रतीक के रूप में ही आतंकवादी हैं, बंधक हैं और शुरू हो रहा है ऑपरेशन. इफ यू लुक टुवर्ड्स योर राइट यू विल सी अ स्मॉल पार्टी कमिंग दैट इज द अमाउंट पार्टी. टू कमांडर थ्री ओके टू ओके फ्रंट कमांडर थ्री ओके फोर ओके. अर्बन लोकेशन में अगर किसी तरह की होस्टेज क्राइसिस होती है तो किस तरीके से छुड़ाया जाता है एक बंधक को वो यहाँ पर माही को दिखाया जा रहा है. सैनिकों ने धोनी के एक एक पल को यादगार बनाया. कुछ यादें धोनी भी दिए जा रहे हैं. अच्छे से अगर खत्म हो गई है तो दोबारा प्रेशर नहीं लेना चाहिए. धोनी ने गोलियां भी दाग ली, युद्ध नीति भी सीख ली, लाइव ऑपरेशंस में भी शिरकत कर ली, लेकिन मंजिलें अभी और भी हैं. और अब धोनी आ पहुंचे हैं वहां जहां जवान पैरा जंपिंग करते हैं.
चलिए देखते हैं क्या धोनी भी उड़ेंगे आसमान में वैसे ही जैसे उनका नाम उड़ चला है सितारों में। मैं पहन सकता हूँ? ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, ये यहाँ से। तो ये रहा धोनी का पैराशूट और उसके साथ जुड़े खास साजो सामान। ये तो भागने में भी लग रहा, पैराग्लाइड पीछे ऐसे लटक जाएगा। नहीं, बट जब ये ऑन होता है ना भाई, तो ये थ्रस्ट देता है आपको आगे को, बिकॉज़ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप टेक ऑफ के लिए भाग रहे हैं, आप गिरेंगे तो मुंह के बल पीछे नहीं, वेट नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि प्रोपेलर ऑन है, तो आपको आगे को थ्रस्ट दे रहा है, तो मुंह पे नहीं गिरना है उसका डर रहता है, बाकी पीछे तो आप पीछे नहीं गिरते। ये आपका जितना आप इसको दोगे सर, उतना आपको इतना आगे थ्रस्ट देगा। ये अभी अगर हम टेक ऑफ करते हैं, ये दो उठाने के लिए पहले उठाएंगे, डिप्लॉय अच्छा हो जाता है देखेगा, फिर इनको तो छोड़ देगा दोनों को, ऊपर डिप्लॉय हो जाता है, इसको छोड़ देगा, ये दो ब्रेक लाइन आपके उसमें रहेंगे और ये रहेगा, इससे आप कंट्रोल करते रहोगे और इससे आप पावर देते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और ये स्विच ऑफ के लिए, हाँ सर ऑफ के लिए, तो ये दबा दें, ये दबा दें तो ऑफ हो जाएगा। ये कितना हेवी था भाई? इट्स 22 केजेस, बट मुझे ऐसा लगा कि ये उससे ज़्यादा भारी था। मैंने उनको बोला अगर कुछ छोटा प्रोटोटाइप होता तो हम क्रिकेटर्स के भी पीछे लगा देते हैं, तो टेस्ट लेने के लिए। हाँ, टेस्ट मैच में 70 ओवर के बाद हर कोई थोड़ा थक जाता है, तो उस समय यू नो ऑन करके थोड़ा भागने में आसानी होती, बट इट्स हेवी एंड इट्स नाइस, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग यू नो। रांची में भी हमने एक दो बार देखा है, दे मस्ट हैव कम, आर्मी के यूनिट्स वहाँ पर भी हैं, तो हमें लगता था ये क्या चीज़ है इनिशियली, आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, तो मुझे लगता था ये अब उड़ तो रहे हैं, अगर तेल खत्म हो गया तो क्या करेंगे, सो बच्चे में बहुत अजीब अजीब से थॉट आते हैं, हाँ आई थिंक दे कैन लैंड व्हेयरएवर दे वांट, सो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बट इसे सीखने में थोड़ी परेशानी होती है। फिर कभी उड़ने का वादा कर इस जगह से अगले मुकाम की ओर निकलने वाले हैं धोनी। उड़ने के लिए मुकम्मल ट्रेनिंग चाहिए, माना कि उनके दिमाग ने सब कुछ जान लिया है, लेकिन जान को जोखिम से आजाद करने लायक जानकारी अभ्यास से ही आएगी। फिर से उनकी सवारी निकल पड़ी है अगले पड़ाव की ओर, देखते हैं धोनी कहां जाकर रुकते हैं। नंबर वन चेक प्ले, ठीक, नंबर वन मैं क्लाइम कर रहा हूँ, आप मुझे विले करना। हमारी सेना में धोनी सिर्फ बंदूकों से खेल कर रुक जाएंगे या यहाँ भी अपने नाम का झंडा गाड़ कर जाएंगे? पिच क्लाइमिंग, रैपलिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ धोनी की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। रैपलर वॉल से अपने 45 डिग्री एंगल में बॉडी को लेता है, उसके बाद गार्डिंग हैंड सीधा और ब्रेकिंग हैंड पीछे और छोटे छोटे जंप द्वारा नीचे उतरता है। माउंटेन्स में हमें सबसे मुश्किलात अपने अगर साथी कोई कैजुअल्टी होता है तो उसे वैक्सीनेशन करने में मुश्किल आती है, उस समय हम जल्द से जल्द उसे अपने इम्प्रोवाइज मेथड द्वारा ये टेंशन रोप ब्रिज द्वारा अपने कैजुअल्टी को जल्द से जल्द दिए हुए जगह पे उतारते हैं। इन तस्वीरों को अपने जहन में भरकर वो अगले मिशन पर जा रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि वो भी एक दिन ये सब कुछ करेंगे, मगर अभी नहीं। भाई, जनरली सड़क पर चलते हुए हीरो एमएस धोनी होते हैं, यहाँ हीरोज बदल रहे हैं? हीरोज अगर आप एक जनरल टर्म में देखें तो टीवी पे हीरोज होते हैं, यू नो जैसा कि हमने देखा पिक्चरों में जो होते हैं वो हीरो होते हैं, बट एक रियल लाइफ सिचुएशन बहुत अलग होती है। टीवी पे जो एक हीरो कर सकता है नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकता है। इवन अगर आप स्पेशल फोर्सेस की जो मूवीज़ होती है उसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो पॉसिबल नहीं होता है एक रियल लाइफ सिचुएशन में। बट अगर आप एक आम जवान की बात करें, एक ऑफिसर की बात करें, दे हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एवरी डे, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्चुअल जो भी कुछ होता है, एक ऑपरेशन होता है।
उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, बिकॉज ऑपरेशन का क्या है, इट दे नेवर नो कब होने वाली है, न कब एक एम्बुश होने वाला है, या कब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे दे विल फायर लाइव. बट प्रैक्टिस में उनका है कि द मोर दे प्रैक्टिस राइट नाउ, दे नो बिकॉज ऑफ दिस दे विल बी सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही टफ सिचुएशन रहेंगे और जो सीनारियो रहेगा वो बहुत टफ होगा. दे बिलीव अ लॉट इन टीम वर्क एंड दैट्स वाई यू नो छोटी छोटी इनकी जो टीमें होती हैं दे नो ईच अदर रियली वेल, भले वो इंडिया में कहीं से भी आए हों, बट यू नो दे जेल रियली वेल. और आर्मी भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि दे नो टीम वर्क इज़ समथिंग दैट्स वेरी क्रूशियल. यू नो एक लीडर जब एक कमांड देता है कि हमें ऐसे फॉर्मेशन में जाना है, देन दे आर रेडी टू डू दैट. यू नो ये दो बार नहीं सोचते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, वो प्रोसेस पे बिलीव करते हैं. दे बिलीव इन द प्रोसेस, जो हमने प्रैक्टिस में किया है वो हमें यहाँ पे भी करना है. दो उस सिचुएशन में यू नो सामने से भी फायरिंग हो रही होती है, यू नो ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हो रहा होता है. तो आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एट द एंड ऑफ द डे. यू नो बिना रीटेक के हीरो है ये, ऑफ कोर्स देयर इज नो स्क्रिप्ट हियर, बट यस दे बिलीव इन प्रैक्टिस अ लॉट. हर दिन वो जो प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज ऑफ दैट दे आर द रियल हीरो.